आज मैं हूँ अमेजोन के बहुत ही घने जंगल में और आज मैं दिखाने वाला हूँ इस जंगल में कैसे सरवाइव किया जाता है। मैं दिखाने वाला हूँ इस जंगल में भूखे प्यासे कैसे रहा जाता है। अच्छा। मैं दिखाने वाला हूँ इस जंगल में कैसे जानवरों से लड़ा जाता है। अच्छा। और सच में मैं जानवरों से लड़ने वाला हूँ अगर जानवर मिल जाते हैं तो। और इस घने जंगल में बहुत ही धारदार दांत वाले जानवर रहते हैं। क्या मैं इस जंगल में सरवाइव कर पाऊंगा? क्या मैं इस जंगल को पार करते हुए अपना घर जा पाऊंगा? जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहो। अब चलो चलते हैं। मैंने इस जंगल के बारे में बहुत सुना था लेकिन आज मैं इस जंगल में हूँ जो कि दिखने से काफी खतरनाक लग रहा है। आज अपन जाएंगे इस पहाड़ के उस पार, तभी हमें दिखेगी बस्ती। अच्छा। और तभी अपन बच पाएंगे इस घने जंगल में। उस पहाड़ के उस पार हम जाएंगे और देखने वाले हैं कैसा बस्ती है, या उस पहाड़ के ऊपर क्या सच में बस्ती है, क्या वाकई बस्ती है। हमें सावधान रहना होगा। अच्छा। बिल्कुल सावधान रहना होगा क्योंकि इस जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर रहते हैं, बहुत ही खूंखार जानवर। तो धीरे धीरे चलो मेरे साथ। मेरा कैमरामैन भी बहुत ही सतर्क है और मैं भी बहुत ही। ये देखो एक हील का ये जो सोल है, वो सोल निकला हुआ पड़ा है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे मुझसे पहले और भी लोग आए होंगे। अच्छा। शायद अपन देखते हैं कि क्या सच में इस जंगल में और कोई है या फिर हम फर्स्ट में जा रहे हैं इस अमेज़न के घने जंगल में। वाओ, ये हील अगर मैं बेचना चाहूँ तो ये 50 करोड़ में बिकेगा। मैं इसको अपने पास रखता हूँ। जब आपको ऐसी जगह में कुछ भी मिलता हो तो आप अपने पास उसे रख लो, ना जाने वो चीज कब आपके काम आ जाए। अब आग जलाने के लिए भी मुझे बहुत काम आएगा अगर मेरे पास आग जलाने के लिए और कुछ ना रहा तो। बेचने के लिए सोचेंगे बाद में अगर जान रहा तो। बात सही है। ये क्या और मिला है? ये सच में बहुत ही रेयर लग रहा है मुझे। ये हाँ वही है। अच्छा। अगर मैं उसको चोर बाजार में बेचता तो बहुत ही कम प्राइस मिलता, अगर साथ में मैं बेचूंगा तो बहुत ही ज्यादा प्राइस मिलेगा क्योंकि ये सेट में है। समझ रहे हो ना? राइट एंड लेफ्ट दोनों, तो मैं यहाँ से अमीर भी हो रहा हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर मेरी जान बची तो मैं चोर बाजार में ले जाके इसे बेचने वाला हूँ। आपको पता होगा एड्रेस, तो कमेंट में बताना वो चोर बाजार कहाँ है। ठीक है समरिया। दोनों मैं सेल करने वाला हूँ चोर बाजार में। मुझे एड्रेस पता नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है समरिया। चोर बाजार का एड्रेस, जल्दी जल्दी चलते हैं। और ये देखो ये जंगल कितना घना है। देखो ऐसे ही जंगल में लोग आते हैं और खो जाते हैं। रेस्क्यू टीम भी नहीं बचा पाती है यहाँ पे। अच्छा। जो भी आते हैं कोई भी नहीं बचा पाता है। अच्छा। आप कभी कभी सोचते होंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वही चीज आगे चल के बहुत काम आती है। इस जंगल की खूबसूरती पे मत जाना क्योंकि जो जितने भी खूबसूरत होते हैं वो उतने ही खतरनाक होते हैं। आप पहले कहीं ऊंची जगह जाओ, ऊंची जगह जाके आप देखो कि कहाँ जाने का लायक है और किधर से जाएं। ये देखो यही व्यू के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और जिंदा नहीं जाते हैं। लेकिन आज ये तेरा भाई इस जंगल को पूरी तरह एक्सपोज करेगा और इस जंगल में सरवाइव करेगा और जंगल में जिंदा बच के दिखाएगा। अच्छा। और बस्ती में जाएगा और बस्ती का हस्ती करके दिखाएगा तेरे को। ये देखो वो सुंदर व्यू, जो लोग आते हैं यहाँ पे और इसी व्यू के लिए और यहाँ से जिंदा नहीं जाते। ये देखो गाइस कितना प्यारा व्यू है। वाओ। मुझे जंगल आने के बाद असर हो रही है। अच्छा। ये जंगल ऐसे ही लोगों को परेशान करती है। आप पहले बीमार पड़ोगे इस जंगल में आने के बाद, उसके बाद आप खुद से डीमोटिवेट हो जाओगे कि क्या मैं इस जंगल में सर्वाइव कर पाऊंगा। और ऐसे ही लोग यहाँ पे आके भटक जाते हैं और ऐसे ही अपना जान गवा देते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे सर्वाइव करने वाले हैं। क्या यहाँ पे मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? चलो अब देखते हैं।
क्या मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊंगा? उम्मीद है मुझे कि इस जंगल को मैं अच्छी तरह से सर्वाइव कर लूंगा और बस्ती की हस्ती अपने लाइफ को बचा पाऊंगा। चलो अब चलते हैं, हमें बहुत ऊपर भी जाना है। ऊपर जाने के बाद हमें नीचे भी जाना होगा और मुझे नहीं लगता बस्ती होगा, लेकिन लास्ट टाइम तक हम उम्मीद नहीं छोड़ने वाले हैं। चलो run. बहुत दौड़ापन लग गई है मुझे प्यास, कहीं गड्ढा करके देखना पड़ेगा, पानी मुझे निकालना पड़ेगा, मेरा मुंह सूख गया है। बहुत ही तेज प्यास लगी है मुझे। ये जगह मुझे लग रही है इस जगह में शायद पानी निकल सकता है। अच्छा दिखा दिया है। ओह यहाँ पे ऐसे जब आप घने जंगल में आते हो तो ऐसे ऐसे खतरनाक कांटा आपको मिलेगा। ठीक है समझ गया। आपको बचना होगा ऐसे ऐसे कांटों से। अच्छा। और ऐसे कांटों में पॉइजन भी रहते हैं जहर, जिससे कांटे एक बार आपके शरीर में चुभ जाए तो आप नहीं बचने वाले। उसके बाद आपको यहाँ से यमराज ही ले जाएगा। और लोग तो मैं इस कांटे से दूर रहता हूँ और यहाँ पे मैं गड्ढा करके देखता हूँ। यहाँ तो पानी नहीं निकल रहा है, एक दफा और मैं देखता हूँ बाद में इसमें अगर पानी निकल जाए तो। ये देखो गाइस यहाँ पे पानी निकल गया है। मुझे लगा था कि यहाँ पे पानी निकलेगा। अब देखता हूँ इस पानी को साफ करता हूँ मैं और इस पानी को पी के मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखो यहाँ पे पानी निकल चुका है, मैं इसे हाथ से नहीं पी सकता, मैं इसको पत्ते से पीऊंगा। समझ गया। ये देखो ये है सखुआ का पत्ता। अच्छा। आप इसको ऐसे फोल्ड करके आप इसमें से पानी पी सकते हो। ये देखो बहुत ही ताजा पानी हम निकाल लिए यहाँ पे। ये देखो ये कितना अच्छा पानी मैंने यहाँ से निकाला है। मुझे पता था यहाँ पे नमी, मैं बस मुझे इतना ही पानी चाहिए, इतना पानी पी के मैं बस्ती की हद की तरफ चलने वाला हूँ। उससे मेरा क्या फायदा? दो दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, अब मुझे कुछ खा लेना चाहिए। ये देखो यहाँ पे एक छिपकली है, मुझे भूख भी लगी है और मैं इस छिपकली का शिकार करने वाला हूँ, इस छिपकली को जिंदा खाने वाला हूँ। अरे मेरा वेपन तो टूट गया, अब मैं क्या करूँ? मुझे लगता है मुझे अब खाली पेट ही बस्ती की हस्ती तरफ जाना पड़ेगा। oh, no. हाँ ये अभी भी है, ये अभी भी है। अब मैं ट्राई करूँ, ये मेरा लास्ट चांस रहेगा। अगर मैं इसे मार भी ना पाता हूँ तो मेरा आज का खाने का जुगाड़ हो जाएगा। मैंने इसे मार गिराया, इधर देखो इधर गया, इधर गया। अरे यार मेरा शिकार किधर है? मेरा खाना भाग गया, मुझे लगा कि मैंने उसे मार गिराया है। पर मुझे क्या, मुझे अब खाली पेट ही सर्वाइव करना पड़ेगा। नहीं नहीं ऐसे हार नहीं मानना, ऐसे हार नहीं मानना। चलो ऐसे हार नहीं मानना। ये देखो कितने खतरनाक चट्टान। मैं बियर बेल सुन। अच्छा। मुझे ट्रेनिंग दी गई है स्पेशल फोर्सेस की, मुझे अच्छी तरह नॉलेज है कि इस जगह सर्वाइव कैसे किया जाता है और पत्थरों के बीचों में कैसे कूदा फांगा जाता है। अच्छा। तो डोंट ट्राई दिस एट होम एंड स्कूल, सॉरी माउंटेन। ये भी आप ट्राई मत करना, ये बहुत ही खतरनाक है। दिखने से ऐसा लगेगा मानो इस चट्टान में हम बहुत ही आसानी से चढ़ पाएंगे, लेकिन नहीं, बहुत ही मुश्किल होती है। आपका एक छोटा सा मिस्टेक आपकी जान भी ले जाएगी। ऐसे चट्टानों में चढ़ाई करते वक्त ध्यान रखना, आप अपना पैर चट्टानों में सही से बैलेंस बनाओ और अपना पैर चट्टानों में सही से गड़ा के चले। ये देखो ये जो आपको लकड़ी दिख रही है, इस लकड़ी का नाम है ढोठा। अच्छा। ये लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मजबूत। ठीक है, इसको यूं ही नहीं बोलते हैं ढोठा, मैंने भी इसे कई बार यूज करा है। ये वाकई बहुत ही मजबूत होते हैं, हमारी उम्मीद से भी ज्यादा मजबूत। अच्छा। जब अपना झोपड़ा बनाएंगे तो ऐसी लकड़ी का हम उपयोग करें। अच्छा। आपको बस ध्यान रखना है कि जब आप
किसी माउंटेन या किसी घने जंगल में आते हो तो बस आप सावधानी बरतना, भले आपको कुछ भी होता है तो आप पेशेंस रखना, अपने आप को प्रिपेयर रखना, भले जितना आप डरोगे उतना आपके लिए घाटा है। क्योंकि इस जंगल में आप जितना डरोगे ये जंगल उतना ही आप पे हावी होगा। अच्छा। तो आप ट्राई करना, ज्यादा डरो मत और इस जंगल का डट के सामना करो जैसे आप अपने सेटिंग का करते हो। हमें और भी बहुत ऊपर जाना है तो हम ध्यान रखेंगे, अपने आप को भी बचाते हुए हम अपने मंजिल की ओर जाएं। हम पहुंच गए हैं माउंटेन के ऊपर जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ है और इस खूबसूरत पेड़ के नीचे छांव है। मैं इस छांव में बैठूंगा थोड़ा सा, अबे जल्दी बोल सुबह चार्ज होगा क्योंकि मुझे चलते चलते मेरा एनर्ज काफी वेस्ट हो चुका है। अबे जल्दी बोल। जैसे आप अमेजोन जंगल में आते हो ठीक है तो आप ट्राई करना कि दिन और रात को मिला के आप अपने मंजिल की ओर जाओ, क्योंकि यहाँ रात गुजारना बहुत ही खतरनाक होती है। oh, no! अरे हाँ मैं ठहरा आया, मैं जोन जंगल में यहाँ पे मस्ती कर रहा हूँ। अच्छा हाँ हाँ पहुँच जाऊंगा सुबह। तुमको सिखा रहा है अजी? नेटवर्क नेटवर्क तो यहाँ भरपूर है, एकदम पूरा पूरा खड़ा नेटवर्क यहाँ है तो। अरे अमेजोन जंगल क्या खां, कोई अमेजोन जंगल नहीं। oh, no. अरे हाँ हमारे घर का जंगल है तो, हमारे गांव का जंगल है, लोगों को मैं बुड़बक बना रहा हूँ। oh, no. अरे बहुत मजा है अमेजोन जंगल बोल के, मैं तो सबको बुड़बक बना रहा हूँ। अच्छा अरे हाँ हाँ अरे 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 कैमरामैन मैं वाकई अमेजोन के बहुत ही घने जंगल में हूँ। अच्छा आपको भले कोई भी बोले कि नहीं ये लड़का आपको बेवकूफ बना रहा है तो वो खुद बेवकूफ होगा जो ये बोलेगा। सच में मैं अमेजोन के जंगल में हूँ, यहाँ बहुत ही घना जंगल है, मैं आपको सर्वाइव करने के स्किल सिखा रहा हूँ तो आप यकीन मानो कि मैं सच में अमेजोन जंगल पे हूँ। पहुंच गए हैं चौथे दिन के सुबह में और अब हम पहुंचने वाले हैं उस स्टोन में। लोग सच में सही बोलते थे कि पहाड़ के उस पार वाकई एक बस्ती है। अब हम जाने वाले हैं उस बस्ती में। हम लोग सर्वाइव कर चुके हैं इस पहाड़ में, इस घने जंगल में, क्योंकि हम चार दिन बिताए यहाँ पे और हमने बहुत कुछ खोया, हमने हड्डी तोड़वाई। अच्छा हमको सिखा रहा है। खांसी भी हुआ मेरा। ठीक है समरिया। अब हम फाइनली जाने वाले हैं उस बस्ती में। अच्छा। बस्ती का हस्ती में, क्योंकि यहाँ से मुझे दिख रही है तीन बस्ती। अच्छा। एक दो तीन। फाइनली अब हम पहुंचने वाले घर, लेकिन एक और हमें पड़ाव पार करना होगा तब हम पहुंच पाएंगे उस बस्ती का हस्ती में। हमारा पानी भी खत्म। अच्छा। पानी खत्म। वो लोग सही बोलते थे इस घने अमेजोन के जंगल को पार जब करोगे तो उस पार आपको बस्ती का हस्ती मिलेगा, और वाकई मुझे दिख गया वो बस्ती का हस्ती। पहुंच गए पहाड़ के सबसे ऊंचे चोटी में और यहाँ से मुझे पूरा अमेजोन दिख रहा है। वो अच्छा हमको सिखा रहा है पूरा अमेजोन। बस्ती का हस्ती भी मुझे दिख गई है। अब हम जाने वाले उस बस्ती का हस्ती में। आपको ध्यान रखना होगा ऐसे चट्टानों में, अपने कदम बारीकी से रखें। मुश्किल हो रही है तो इस मोमेंट में और इस समय में आप ट्राई करना है कि आप अपने आप को शांत बनाए रखें और ठंडा दिमाग से काम लें। भले आपका दिमाग गर्म क्यों ना होता हो, हमको सिखा रहा है, आपका दिमाग फटता ही क्यों ना हो, लेकिन आपका दिमाग मुझे इस जंगल से काफी कुछ सीखने को मिला है और आप भी बहुत कुछ सीखे होंगे। तो बस आप इससे यह सीखना कि आप अपना दिमाग शांत रखें। जब आप अपना दिमाग शांत रखोगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। इसका मतलब आके हम बस्ती के हस्ती में पहुंच गए। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं
ऐसे काम करके अपने घर जाता हूँ और अपने फैमिली से मिल पाता हूँ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वो देखो, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि जब हम मुसीबत में आते हैं तो हम अपने मुसीबत का डट का सामना करें, ताकि आने वाले मुसीबत से हम डट के सामना कर पाएं और उससे हम बेहद मजबूत भी हो जाएं। मुझे लग गई है चोट। बाय द वे, आपको चोट लगती है? यहाँ पे मुझे लगी, यहाँ पे। अगर आपको लगती है तो मैं आपको बताता हूँ एक ट्रीटमेंट, इसे बोलते हैं फुटूस का पत्ता। आप तोड़ लोगे पहले, इसे इतना बारीकी से आपको तोड़ना है जिससे इसका पानी निकल आए। जब पानी निकलेगा तो आप वहाँ लगाओगे जहाँ आपको चोट लगी, तो ये चोट पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मुझे यहाँ पे चोट लगी, मैं यहाँ पे लगाऊंगा, और यहाँ पे चोट लगी, मैं यहाँ पे लगाऊंगा। देखना आप, अगर आपको जब तक पानी ना आ जाए इस पत्ते से, तब तक आप इसे और तोड़ते रहना है आपको। आप हमेशा मजबूत बने रहो, क्योंकि आने वाले मुसीबत से आप डट के सामना कर पाएं। मुझे उम्मीद है आने वाले मुसीबत से आप डट के सामना करोगे और मुझसे भी ज़्यादा मजबूत आप बनोगे। आलू ले ले, टींडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, अदरक ले ले, तोरी ले ले, गाजर ले ले, मूली ले ले, शलगम ले ले, पालक ले ले, लहसुन ले ले, मेथी ले ले, गोभी ले ले, प्याज ले ले, चकंदर ले।